नमस्कार दोस्तों, 2001 में आई सनी देओल और मीसा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल इन दिनों धमाल मचा रहा है। 22 साल बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म का दूसरा पार्ट गदर 2 लेकर आ रहे हैं, जो इस साल 2023 में रिलीज होने वाली है। फैंस अनाउंसमेंट के बाद से फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गदर 2 को हिट कराने के लिए मेकर्स ने गदर के पहले पार्ट को रिलीज किया है, जिसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। रिलीज के दौरान भी फिल्म ने करोड़ों रुपए की कमाई कर ली है और कमाई में भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, आज हम आपको गदर 2 से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। नंबर 1, गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह यानी सनी देओल अपनी पत्नी सकीना के लिए पाकिस्तान गए थे। गदर 2 में तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन इस बार अपनी पत्नी सकीना के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे जीते के लिए पाकिस्तान में गदर मचाने वाले हैं। नंबर 2, गदर एक प्रेम कथा में दर्शकों को तारा सिंह की लव स्टोरी देखने को मिली थी, लेकिन गदर 2 में बाप बेटे के अटूट रिश्ते को खूबसूरत एहसास देखने को मिलने वाला है। और एक बाप बेटे के लिए किस तरह से तांडव मचा सकता है, ये सब गदर 2 में आपको गजब का रोमांचित कर देगा। एक्शन में आपको मजा आने वाला है। नंबर 3, इस बार गदर 2 में अमरीश पुरी की कमी घर दर्शक को खलने वाली है, लेकिन इस बार एक नए विलेन के रूप में रोहित चौधरी दिखने वाले हैं। रोहित चौधरी एक मशहूर और मंझे हुए एक्टर हैं, इस वजह से सनी के साथ उनका फाइट देखना दर्शकों को ज्यादा रोमांचित करने वाला है। नंबर 4, गदर एक प्रेम कथा की तुलना में गदर 2 का बजट 5 गुना ज्यादा है। जी हाँ, गदर एक प्रेम कथा का बजट महज 19 करोड़ था, लेकिन गदर 2 का बजट 100 करोड़ रहने वाला है। नंबर 5, गदर में जहां तारा सिंह ने हैंडपंप उखाड़ कर दर्शकों का दिल जीत लिया था, वहीं इस बार गदर 2 में वो पहिया उठाकर अभिमन्यु की तरह एक्शन करते नजर आने वाले हैं। नंबर 6, गदर 2 में इस बार सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा मनीष माधवा, उत्कर्ष शर्मा, सिमरन कौर, गौरव चोपड़ा और लव सिन्हा भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।